अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरी आज की रेसिपी है चिकन लेग पीस फ्राई। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 5 चिकन लेग पीस लिए है। अच्छे से धोकर मैं इसका पानी सारा निकाल लिया है। पानी हमें नहीं रखना है। अब इसमें हम मिर्ची ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और फूड कलर, थोड़ा ही डालना है, फूड कलर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे गरम मसाला और नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार लें। अब डालेंगे तंदूरी मसाला 1 चम्मच, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 नींबू का रस ऐड करेंगे, दही लेंगे, दही हमें थोड़ा ही लेना है, ज्यादा यूज नहीं करना है। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा और भुनी हुई धनिया का पाउडर, 1-1 चम्मच लिया है मैंने। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून की मदद से हमें मिक्स नहीं करना है, हाथ की मदद से हमें मिक्स करना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। स्पून से करेंगे तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे ऐसे ही। देखिए मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए हम मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए हमारा 1 घंटा हो चुका है, इस तरह से मैरिनेट हुआ है। इसमें ना मैं कट लगाना भूल गई थी तो मैंने बाद में लगाई हूँ, तो उतना अच्छा आया नहीं है। आप याद से पहले ही कट लगा ले। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर आटा डालेंगे, थोड़ा ही डालना है हमें, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बस लेग पीस के हिसाब से ऐड करें। अब इसमें डालेंगे चावल का आटा, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं चावल का आटा। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी भी हमें हाथ की मदद से ही मिक्स करना है ताकि ये हर लेग पीस में अच्छे से लग जाए, तभी हमारी जो लेग पीस है वो टेस्ट बनेगी। अच्छे से मिक्स करना है हमें। कॉर्नफ्लोर आटा डालने के बाद ध्यान रखिए हमें अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से, जिस तरह मैं कर रही हूँ ना वैसे ही मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। चलिए फ्राई करेंगे। यहाँ फ्राई करने के लिए मैंने तेल रख दिया है। तेल हमारा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तेल गर्म होने के बाद ही हमें लेग पीस डालना है। देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें लेग पीस डाल लेंगे। डालने के बाद हमें तुरंत इसे नहीं छीना है, बस 2 मिनट तक कुक होने देना है अच्छे से। अगर हम अभी ही छीएंगे तो हमारी जो लेग पीस है वह उसका जो मसाला है वो छूट जाएगा। ऐसे ही 2 मिनट तक कुक होने देंगे। अब दूसरी लेग पीस भी डाल देंगे, इसे भी हम ऐसे ही करेंगे। अब इसे चमचे की मदद से हम पलटी कर लेंगे। अब हल्के से करना है हमें। अब चूल्हा लो फ्लेम पे कर देंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए अंदर तक। अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर कुक होते हैं, अंदर से नहीं पकते हैं, तो हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है हल्के से ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। ये फ्राई हो चुके हैं, इसे अब हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से निकाल लिया है। बाकी भी हम ऐसे ही फ्राई करेंगे, जो बचे हुए हैं उसे भी हम सेम ऐसे ही ऐड करेंगे इसमें तेल में। देखिए इसे भी हम सेम टू सेम फ्राई करना है। चूल्हा हमें लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि अंदर तक कुक हो जाए अच्छे से। अब इसे हम पलटी कर लेंगे। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे भी हम निकाल लेंगे। देखिए हमारे चिकन लेग पीस फ्राई हो चुका तैयार है यम्मी से। देखिए किस तरह से फ्राई हुए हैं। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। बाय बाय।